नागरिकता संशोधन बिल के मुद्दे पर कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच तीखी बहस जारी है। बिल पास होने के बाद असम में प्रदर्शन तेज हो गया है और हिंसा हो रही है। शांति बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस ट्वीट पर ही पीएम को घेर लिया और याद दिलाया कि वहां पर इंटरनेट बंद है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट गया है कि असम के हमारे भाई और बहन आपका ये संदेश नहीं पढ़ सकते। मोदी जी, अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दे कि असम में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर असम के नागरिकों को भरोसा दिलाया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा था कि असम के लोगों को वो विश्वास दिलाते हैं कि नागरिकता संशोधन बिल के पास होने से उनके अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असम की अस्मिता, संस्कृति पहले के जैसे ही बरकरार रहेगी। बता दें कि बुधवार को राज्यसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन उसी के बाद से ही असम में प्रदर्शन हिंसक हो गया है। असम के कई जिलों में इंटरनेट की सुविधा को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर जाने वाली कई फ्लाइट और पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा भी रोक दी गई है।